नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग प्रपोजल एंड इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल, इन दो चीज़ों को देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन से। आसान शब्दों में कहूँ तो प्रपोजल का मतलब है ऑफर करना। प्रपोजल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रपोजल यानी एक आदमी को, एक पार्टी को ऑफर करना और इस इंटेंशन के साथ ऑफर करना कि सामने वाला अपनी ऑफर एक्सेप्ट करे। अभी एग्जाम में आपको किस चीज़ से कैसे लिखना है वो हम लोग देखते हैं। प्रपोजल इज ऑल्सो नोन एज अ ऑफर। प्रपोजल मस्ट बी मेड विथ एन इंटेंशन टू फुलफिल इफ एग्रीड। अदरवाइज इवन इफ अ पर्सन सेज समथिंग विच मे सीम लाइक एन ऑफर, इट विल बी अ मियर स्टेटमेंट इफ देर इज नो इंटेंशन टू फुलफिल इट। आप लोगों ने ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके पिताजी ने आपको प्रॉमिस किया होगा, अगर तुम ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें बाइक दूंगा। इस चीज़ में बाइक एक कंसिडरेशन है और आपके अच्छे मार्क्स एक कंसिडरेशन है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग फॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। कई लोगों ने, मतलब कईयों के पिताजी ने बाइक दिया होगा या फिर नहीं भी दिया होगा, लेकिन अगर आपको बाइक नहीं मिला तो आप पिताजी को कोर्ट में घसीट नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ एक फॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है। देना या ना देना उनके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमें सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि पिताजी हमें ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ फॉर्मल ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से ये सिर्फ जनरल स्टेटमेंट कहा जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए में प्रपोजल को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. इस डेफिनेशन को हम लोग हर एक हिस्से में देखते हैं। When one person signifies to another, इसको हम लोग एक पार्टी की तरह देख सकते हैं। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को His willingness to do or to abstain from doing anything, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने का या फिर ना करने का प्रॉमिस करती है, with a view to obtain the assent of the other, सामने वाले का acceptance seek करने के लिए, मतलब जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने का या ना करने का ऑफर देती है, with such intention to seek its acceptance, to such act or abstinence, he is said to make a proposal. यानी जब आप सामने वाले का एक्सेप्टेंस सीक करने के लिए कोई ऑफर देते हो तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे एक वैलिड ऑफर। यहाँ पर जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे प्रॉमिसर। तो इस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होंगी, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। अ पर्सन हु मेक्स एन ऑफर व्हेन इट्स एक्सेप्टेड इज नोन एज प्रॉमिसर। द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड आफ्टर इट्स एक्सेप्टेड, That person is known as a promisee. So, आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो proposal is an offer to do something or not to do something with an aim to obtain the assent of the party. Proposal एक contract का starting point है। Proposal अगर accept हो गया तो contract हो भी सकता है लेकिन और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर proposal को decline किया जाए तो contract होने का सवाल ही नहीं उठता। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। एक आम एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मिस्टर ए टेल्स मिस्टर बी दैट ही इज विलिंग टू सेल अ फ्लैट फॉर ₹1 करोड़। इन दिस एग्जाम्पल मिस्टर ए इज द प्रोमिसर, मिस्टर बी इज द प्रोमिसी। फ्लैट एंड ₹1 करोड़ आर द कंसिडरेशन। द स्टेटमेंट मेड बाय ए इज एन ऑफर। हियर मिस्टर ए इज शोइंग हिज विलिंगनेस टू सेल हिज फ्लैट फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹1 करोड़। आसान शब्दों में कहूँ तो मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है मेरे पास एक फ्लैट है, तुम उसे ₹1 करोड़ देकर खरीद सकते हो। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे मिस्टर ए इज मेकिंग अ वैलिड ऑफर टू मिस्टर बी। यहाँ पर मिस्टर ए मिस्टर बी को एक फ्लैट सेल करने के लिए कह रहा है। सो इज विलिंग टू डू समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन। यहाँ पर कंसिडरेशन है मिस्टर ए का फ्लैट और मिस्टर बी की तरफ से ₹1 करोड़। और फ्लैट जो है वो एक लीगल चीज़ है, कोई इलीगल चीज़ नहीं है, गैर कानूनी चीज़ नहीं है। सो दिस होल सिनारियो इज अ वैलिड ट्रांजैक्शन।
इसी चीज को अगर मैं प्रपोजल की डेफिनेशन के हिसाब से कहूं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, अगर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग समझाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मेरे पास बहुत सारे बायर्स आ रहे हैं, तो तुम एक काम करो, मुझे 5 लाख रुपया दो एज अ टोकन प्राइस और ये 1 करोड़ का फ्लैट मैं किसी और बायर को नहीं बेचूंगा। ये थोड़ा अलग सिनारियो है, लेकिन इस चीज को भी हम लोग कहेंगे मिस्टर ए इज मेकिंग अ वैलिड प्रपोजल टू मिस्टर बी, क्योंकि दोनों चीजें वैलिड है, फ्लैट भी वैलिड है और टोकन प्राइस मांगना भी वैलिड है, कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। सो दिस होल ट्रांजैक्शन इज वैलिड। अभी आपको एग्जाम में एक और सवाल आ सकता है, एक्सप्लेन द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। तो इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल कुछ इस प्रकार से है, प्रपोजल मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, प्रपोजल मस्ट बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, प्रपोजल मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, प्रपोजल कैन बी टू अ डेफिनेट पर्सन और टू अ पब्लिक एट लार्ज, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हम लोग हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे इंडिविजुअली। प्रपोजल मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस प्रपोजल यानी आप कहीं पर जाएंगे, उसे फॉर्मल रिटर्न ऑफर देंगे या फिर ओरली कहकर ऑफर देंगे, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे एक्सप्रेस प्रपोजल। यानी मान लीजिए आप किसी ज्वेलर के पास गए और उसे कहा कि मुझे ये चीज़ या फिर ये ज्वेलरी खरीदनी है, आपने उसे ओरली कम्युनिकेट किया तो ये एक्सप्रेस प्रपोजल हो गया, या फिर आपने टेंडर के लिए अप्लाई किया तो आपने रिटर्न प्रपोजल दिया, सो इट इज़ अ एक्सप्रेस प्रपोजल। लेकिन कई बार क्या होता है, आप कोई न्यूज़पेपर के पास, न्यूज़पेपर स्टॉल के पास जाएंगे, उसको पैसे देंगे और न्यूज़पेपर उठाएंगे और चल पड़ेंगे। यहाँ पर आपने कोई फिजिकल टॉक नहीं किया या फिर ओरल टॉक नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग इस पूरी चीज़ को कहेंगे एक वैलिड प्रपोजल, क्योंकि न्यूज़पेपर एक वैलिड चीज़ है, आपने उसे बिना कुछ कहे न्यूज़पेपर उठा लिया और पैसे दे दिए, तो यहाँ पर प्रपोजल भी था, एक्सेप्टेंस भी था, कम्युनिकेशन भी था, जो चीज़ थी यानी कंसिडरेशन भी वैलिड था और पेमेंट भी हो गया था, तो इस पूरी चीज़ को हम लोग एक वैलिड ट्रांजैक्शन की तरह कहेंगे। और आपकी जो न्यूज़पेपर उठाने की जो कृति थी, इसको हम लोग कहेंगे इम्प्लाइड प्रपोजल। प्रपोजल मस्ट बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। यहाँ पर आप, मैंने जो आपको अर्लियर एक्सप्लेन किया था, फ्लैट खरीदने का एग्जाम्पल और फ्लैट के टोकन देने का एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रपोजल मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू बी एक्सेप्टेड। अगर सामने वाले को आपने एक वैलिड ऑफर करना है, तो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि सामने वाला आपकी ऑफर एक्सेप्ट करे, अदरवाइज लॉ की भाषा में उसे एक जनरल स्टेटमेंट कहा जाएगा, एक वैलिड प्रपोजल नहीं माना जाएगा। प्रपोजल मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है लॉ की नज़रों में किसी रिलेशन को वैलिड तभी माना जाता है जब वो लीगल ऑब्लिगेशन तैयार करे, यानी एक लीगल राइट का जन्म देना। अगर कोई ऑब्लिगेशन या फिर अगर कोई ट्रांजैक्शन के बीच में एक लीगल राइट का एस्पेक्ट आता है, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन कई बार समाज में होता है सोशल रिलेशन, डोमेस्टिक रिलेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, ऐसी चीजों को लॉ की भाषा में कोई वैल्यू नहीं है, दे आर मियरली सोशल रिलेशंस और सोशल ऑब्लिगेशंस। इसको मैं एग्जाम्पल देकर कह सकता हूँ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन किसी कारणवश मिस्टर बी वहाँ पर जा नहीं पाए, तो ऐसी चीज़ में सोशल ऑब्लिगेशन तो ब्रीच हुआ है, लेकिन मिस्टर ए मिस्टर बी को कोर्ट में नहीं घसीट सकता, क्योंकि लॉ की नज़रों में सोशल ऑब्लिगेशन का कोई वैल्यू नहीं। प्रपोजल मस्ट बी मेड टू अ डेफिनेट पर्सन और टू अ वर्ल्ड एट लार्ज। अर्लियर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मिस्टर ए इज विलिंग टू सेल अ फ्लैट फॉर ₹1 करोड़ टू मिस्टर बी। यहाँ पर मिस्टर ए मिस्टर बी को डायरेक्टली ये फ्लैट सेल कर रहा है, लेकिन इस एग्जाम्पल को आप थोड़ी अलग नज़रों से देख लो। मिस्टर ए एक इंडिविजुअल ना होकर एक बिल्डिंग कंपनी है और उसने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, सो मिस्टर ए इज मेकिंग अ वैलिड ऑफर टू अ जनरल पब्लिक एट लार्ज बाय एड इन न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की ऐड पढ़कर कोई भी आदमी उस चीज़ को, उस ऑफर को रिस्पॉन्ड कर सकता है,
So this proposal has been made to a public at large. Proposal must be communicated. There is no offer till it is communicated to the offeree. The other party to a contract must have a knowledge of the offer made by the first party. Otherwise, there is no contract at all. मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए और आपने उस चीज़ को कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो सामने वाले को उस चीज़ की आइडिया नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन जन्म नहीं होता और इसीलिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है क्योंकि आपने अपना प्रपोजल सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट नहीं किया है. सो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन. आशा करता हूँ आपको प्रपोजल एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आप इस लेक्चर में यहाँ तक बने हैं तो मेरे चैनल को गूगल पे पर ज़रूर सपोर्ट करिए. दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.